Hello, good morning to all of you. Myself Akriti, I'm here for you. आज मैं आपके लिए नेट की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेके आई हूँ, जो एक रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइप एग्जाम्स में आया हुआ है. क्या फाइव फोर्स मॉडल है ना? फाइव फोर्स मॉडल किन्होंने दिया? फाइव फोर्स मॉडल सबसे पहले या तो आपसे पूछेगा दिया किसने, या फिर इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है. फाइव फोर्सेज कौन कौन सी है? फाइव फोर्स मॉडल गिवन बाय पॉटर. कब दिया? 1879 में. कब दिया? 1879 में. अब इसके ये तो आप लर्न कर लेंगे, फाइव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं उसको कैसे लर्न करें. फाइव फोर्सेस के लिए देखिए थ्रेट है. थ्रेट किसका है? हमें न्यू एंट्रेंट्स का एंड सब्स्टिट्यूट का. अब हमें एक चीज याद है, हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, NSE पढ़ते आ रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो गया? न्यू सब्स्टिट्यूट न्यू एंट्रेंट्स का क्या हो गया? थ्रेट. थ्रेट मतलब खतरा. जैसे ही खतरा आया तो कंपनी के सेक्रेटरी को क्या हो गया? बीपी हो गया. क्या हो गया? बीपी. कंपनी सेक्रेटरी मतलब ये है कस्टमर, ये है सप्लायर. बीपी मीन्स बार्गेनिंग पावर. बार्गेनिंग पावर किसकी? सप्लायर और कस्टमर की. जैसे ही इसको बीपी हुआ तो ये कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में. और इसके हॉस्पिटल में जाते ही अंदर क्या शुरू हो गया? इंटरनल कंपटीशन. आपस में सब लोग क्या करने लग गए? फाइट. क्लियर है? तो फाइव फोर्स मॉडल किसने दिया? मिकाल पोर्टर ने दिया. कब दिया? 1879 में. क्या आया? खतरा आया. फर्स्ट थ्रेट किसका? न्यू सब्स्टिट्यूट्स और एंट्रेंट्स का. तो इसको हम क्या बोलेंगे? NSE. CS. CS कौन है? कस्टमर और सप्लायर. कंपनी के CS को क्या हो गया? बीपी. बीपी का मतलब बार्गेनिंग पावर. बीपी का मतलब बार्गेनिंग पावर. और जैसे ही उसको बीपी हुआ वो कहाँ गया? हॉस्पिटल में. उसके हॉस्पिटल जाते ही उसने कंपनी को छोड़ा तो कंपनी में क्या शुरू हो गया? इंटरनल कंपटीशन. क्लियर है? तो फाइव फोर्स मॉडल थ्रेट किसका? NSE न्यू सब्स्टिट्यूट एंड एंट्रेंट्स. किसको थ्रेट से क्या हुआ? कंपनी सेक्रेटरी का बीपी हाई हो गया. बीपी हाई होते ही वो कहाँ गया? हॉस्पिटल. हॉस्पिटल जाते ही वहाँ पे क्या शुरू हो गया? इंटरनल कंपटीशन. क्लियर है? तो ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स के लिए लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए कपिल कॉमर्स क्लासेस को. ओके, थैंक यू.